सीएए को लेकर देश भर अलग अलग शहरों के कुछ किस्सों में चल रहे बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन एक्ट की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले को संवैधानिक पीठ के हवाले करने पर फैसला भी अगली सुनवाई में होगा। आपको बता दें कि बुधवार को 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश से जुड़ी याचिकाओं के लिए अलग कैटेगरी बनाई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सीएए मामले को लेकर आज पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बनी रही। नो सीएए, नो एनपीआर और नो एनआरसी का नारा लेकर सीएए का विरोध करने वाले लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत आस लगी है। वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वो नई याचिकाओं पर रोक नहीं लगा सकते। इसके अलावा हर केस के लिए एक वकील को ही मौका मिलेगा। याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त मिला है। और अब 5वें हफ्ते में सुनवाई होगी। दूसरी ओर असम से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।